सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी टीयू में बी फार्मा कोर्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताएंगे। मतलब यूपी टीयू में बी फार्मा कोर्स के लिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी टीयू में पूछे जाते हैं बी फार्मा कोर्स के लिए। तो इसी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप यूपी टीयू में बी फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं तो यूपी टीयू में बी फार्मा कोर्स के लिए दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर नंबर 1, एक होता है पेपर नंबर 2। मतलब अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था तो उसके लिए आपके यूपी टीयू में पेपर नंबर 1 होगा। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और वहीं पर अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था तो इसके लिए यूपी टीयू में पेपर नंबर 2 होता है। तो जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है पेपर नंबर 2 में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आपके पेपर नंबर 1 में। रही बात बायोलॉजी की, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी में नंबर 1 ह्यूमन जेनेटिक्स, नंबर 2 एनिमल फिजियोलॉजी, नंबर 3 इवोल्यूशन, नंबर 4 ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपके जूलॉजी में, जैसा कि आपके बायोलॉजी में दो होते हैं ना, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, तो आपके जूलॉजी में यही ऐसे 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। इनके अलावा भी कई सारे और भी चैप्टर्स हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इन चारों को पढ़ना है। अगर आप इन चारों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका अच्छे से रिविज़न कर लेते हैं, तब जाके आप चाहें तो इन चारों के अलावा किसी और चैप्टर पर जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके यूपी टीयू में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका बॉटनी होता है उसमें नंबर 1 इकोलॉजी, नंबर 2 इकोसिस्टम, नंबर 3 जेनेटिक्स, नंबर 4 प्लांट सेल, नंबर 5 फोटोसिंथेसिस। तो आपके बॉटनी में यही 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके बॉटनी में जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना है। इन चैप्टर्स को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो इनको छोड़ के जो और चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, उनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं कि आपके यूपी टीयू में आपके बी फार्मा कोर्स के लिए कौन सा सिलेबस है, उसका ऑफिशियल सिलेबस कौन सा है, तो इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि आप www.upsee.nic.in इस पे आप जाइए, जो कि यूपी टीयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2020 ऐसा करके मिलेगा। तो आप जब उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो एक पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो उस पीडीएफ में, मतलब जितने भी आपके कोर्स हैं, हर एक कोर्स का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। तो उसमें आपके पेपर नंबर 2 का भी ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, मतलब बी फार्मा कोर्स का भी ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि आपका जो सिलेबस होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको पूरा कंप्लीट पढ़ना होता है, कंप्लीट आपको उसकी तैयारी करनी होती है, आपको उसको आधा ही पढ़ना होता है। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ने के चक्कर में जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप उसमें आधा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हुए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप ये सभी चीज़ें कर लेते हैं, तब जाके आप चाहें तो अलग से कोई और चैप्टर पढ़ सकते हैं।